एक बात पूछूं, सच बताना, ऋतिक को पसंद करती हो तुम? हाँ, देखो ऋत्विक ने जो तुमसे कहा वो मैंने सुना था। देखो नव्या, मैं तुम्हारी खुशियों के बीच में नहीं आना चाहता। क्या बातें कर रहे हैं पापा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं ऋत्विक के लिए क्या फील करती हूँ मैं नहीं पता। मुझे पसंद करती हूँ शायद, पता नहीं, पर भरत से और आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप जानते हैं ना। बस आप दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। आप लोगों को छोड़ के वैसे भी कहीं नहीं जाऊंगी, सोच भी नहीं सकती। मैं आती हूँ। मुंह से चाहे कुछ भी कहे नफिया, लेकिन आके पढ़ सकता हूं मैं इसके। पसंद करती है ऋत्विक को। कितने सेल्फिश इंसान हैं आप, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आज आप नफिया की खुशियों के रास्ते में दीवार बन के खड़े हैं। कहीं मीरा जी ठीक तो नहीं कह रहे थे कि मैं स्वार्थी बन गया हूं? नव्या की खुशियों के बीच आना चाहता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। तुमने और मैंने एक सपना देखा था कि हम नव्या की एक बार फिर से शादी कराएंगे। उस वक्त तो नव्या को कोई पसंद नहीं था, लेकिन आज वो किसी को पसंद करती है, तो मुझे उसकी पूरी मदद करनी चाहिए। लेकिन सच कहूं रहना, मैं पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा हूं ऋत्विक पे, क्योंकि एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगर इस बार नव्या के साथ धोखा हुआ तो सह नहीं पाएगी, पूरी टूट जाएगी वो। पता नहीं कहां रह गया है लड़का। लाइफ में पहली बार तो किसी को प्रपोज किया है, उसने भी रिजेक्ट कर दिया है। आई डोंट नो कैसे स्टेट ऑफ माइंड में होगा। ऋत्विक कहाँ है मीरा? घूम रहा होगा उस मिडिल क्लास लड़की के आगे पीछे। अरे घर के रूल रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। डिनर टाइम हो गया, आया क्यों नहीं अब तक वो? आप बैठिए ना, आता ही होगा ऋत्विक, किसी इम्पोर्टेंट काम से गया है। आइए बैठिए। ये क्या है? ये सामान किसका है? किसने मंगाया ये सामान? ये सब सामान मैंने मंगवाया मॉम। जब नव्या यहाँ आएगी तो अपने बच्चे के अकॉर्डिंगली सब कुछ सेट कर लेगी। ऋत्विक, तुम मेरी शर्त को भूल रहे हो। याद तो मुझे सब कुछ रहता है मॉम, पर सच तो ये है कि आपकी शर्त की ना मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं, क्योंकि आपकी शर्त ही गलत है।
डोंट चैलेंज मी रित्विक एंड लिसन टू मी, जो तुम सोच रहे हो ना वो किसी भी कीमत पे नहीं होगा। उस लड़की के बच्चे को मैं किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। यहाँ कोई बाय वन गेट वन की स्कीम नहीं चल रही, जो उसके सास ससुर के बच्चे को भी मैं एक्सेप्ट करूंगी। मेरा घर है ये, कोई धर्मशाला नहीं है। मेरी आप इतना हाइपर मत होइए, जस्ट रिलैक्स, आप पानी पीजिए। यहाँ मेरे बेटे की लाइफ स्टेक पर है और तुम मुझे पानी पिला रही हो। पता नहीं उस लड़की ने मेरे बेटे पे क्या जादू कर रखा है, पागलों की तरह उसके आगे पीछे घूम रहा है। बड़ी दी, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। नव्या जिम्मेदार है, समझदार है, बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। इनफैक्ट जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है ये नव्या से सीखा जा सकता है। वो एक एक माँ, एक बेटी, यहाँ तक कि एक बेटा होने की जिम्मेदारी भी निभा रही है। तो सोचिए जब इस घर में आएगी तो अपनी नई जिम्मेदारियों को भी कितने अच्छे से निभाएगी। इनफैक्ट जो मुकुंद जी के बेटे को करना चाहिए वो काम नव्या उनके लिए कर रही है। तो आप सोचिए ऐसी लड़की को एक्सेप्ट करने में हमें भला क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, बल्कि हमें तो प्राउड फील करना चाहिए, नहीं? प्रॉब्लम तुम्हें नहीं दिखेगी मीरा, आई न्यू इट कि तुम ऐसी बकवास ही करोगी। ऋतिक को समझाने की बजाय तो मुझे समझा रही हो, हाँ? उस लड़की के ट्रैप से उसे बचाने के लिए तुम मुझे समझा रही हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? नव्या तक तो ठीक है पर उसके बच्चे को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, फुल एंड फाइनल, समझे तुम? नहीं मिलते बस आई डोंट वॉन्ट कि तुम बीडी से कोई पंगा लो, इसलिए वी हैव टू लुक फॉर अ वे जिससे वो भी अग्री कर जाए और तेरा काम भी हो जाए। लगता बहुत आसान है लेकिन दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ये। उन्होंने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की और मैं कभी उन्हें समझ ही नहीं पाया। आप कैसे कर लेते हो मिमी ये सब?
अपनी बेटी के कहने पे मैं तुम्हें जेल से छुड़ाकर अपने घर पे लेके आई हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी बीवी, बाप और बच्चे को भी अपने घर में रखूंगी। परमार मेंशन पे मुझे तिवारी हाउस का बोर्ड लगाने का कोई शौक नहीं है। अरे कुछ ऐसा करो जिससे नव्या तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, कन्विंस करो उसे तुम कैसे मर्द हो। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उसकी चोटी पकड़ के उसे घर में ले आती। बस कीजिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। कल की डेट पे नव्या मुझे वापस अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करेगी। So you just wait and watch. Good. तुम्हें से छोड़ूंगी नहीं। क्या है ये सब? जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, माफी मांगने आया हूँ। I'm sorry. ये देखो, मैं तुम्हारे मनपसंद फूल भी लाया हूँ। सफिया, एक मौका और दे दो। मैं तुम्हारे साथ, हमारे बच्चे के साथ और पापा के साथ रहना चाहता हूँ। आई प्रॉमिस जान, मैं कभी भी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। गॉड प्रॉमिस। अरे यार मान जाओ ना, कितना प्यार से मना रहे हैं तुम्हें। ये रूप तो मैं ऋत्विक का पहली बार देख रही हूँ। हाँ, बहुत प्यार करने लगा मैं नव्या से। देखते ही देखते अजनबी से जिंदगी बन गई है वो मेरी। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो ये प्यार तुमसे क्या क्या करवाता है। मीमी एक बात बताओ, आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैं खुश हूं कि तुम्हें मौका भी मिल रहा है और तुम अपने प्यार को पाओगे भी। नाइस। क्या बात है अक्की, बताओ क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? मासी, आई नो कि आप लोग मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि आप हार्डली जानते हैं मुझे, और अब तो मेरे लिए एक अलग ही इमेज बन गई होगी आपके दिमाग में। पर मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, किससे बात करूँ। एंड आई डोंट ट्रस्ट मॉम। यू रिलैक्स, मुझे बताओ बात क्या है, खुल के बोलो, जो भी हो सकेगा मैं करूंगी। मासी, मॉम समझ ही नहीं रही है, मैंने कोशिश भी की, बट नाउ यू गाइस हैव टू हेल्प मी। मासी, आई लव आदि, हम इतने महीनों से साथ में थे, हमारी शादी होने वाली थी, पर तभी आदि की बुढ़िया बुआ, उसने आदि को भी अपने प्लान में ट्रैप कर लिया और सब कुछ बदल गया। एंड अभी मॉम ने आदि से कहा है कि अगर वो नव्या से पैचअप नहीं करेगा तो वो उसे वापस जेल भिजवा देगी।
इनफैक्ट मॉम ने और आदि ने मिलके कोई प्लान भी बनाया है ताकि नव्या आदि की जिंदगी में वापस आ जाए। वो भी नव्या को ही मिलने गया है। प्लीज मासी, डू समथिंग। मैं आदि को खोना नहीं चाहती। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऋत्विक, हम नव्या के स्टॉल पे चलते हैं। आई एम श्योर आदि वहीं गया होगा कोई तमाशा करने के लिए। चलो। एक बार माफ कर दो। बस मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। सुना तुमने? ये बकवास बंद करो और निकल जाओ यहां से। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। लीव। और ये सब जो नव्या, इतना गुस्सा ठीक नहीं, ठंडे दिमाग से सोचो। जाग भाई साहब, बहन जी, आइए आइए आइए। आप लोग एक बात बताइए, अगर एक पति दिल से अपनी पत्नी को सॉरी बोलता है तो उसे माफ करना चाहिए ना? हाँ, जरूर करना चाहिए। अब आप समझाइए इसे, ऐसे कोई शादी थोड़ी ना तोड़ता है। हाँ, अब प्लीज हेल्प मी, आप लोग बोलिए ना इनको। अरे मान जाइए ना, वो आपको कितना मना रहे हैं। जो हुआ सो हुआ, ऐसे गुस्से में घर थोड़ी ना छोड़ देते हैं। जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, हमार को क्या हक है उसको तोड़ने का? फिर क्या आदि नव्या से मिलने गया? हाँ, वो नव्या के स्टॉल की तरफ गया है। आप जल्द से जल्द पहुंचिए, मुझे डर है कहीं वो नव्या को कुछ। नहीं नहीं नहीं, मैं नव्या को कुछ नहीं होने दूंगा। अभी पहुंचता हूँ मैं वहां पर। अगर आदि ने नव्या को हाथ भी लगाया ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। कहीं कोई और बात तो नहीं नव्या? अरे भाई साहब, बहन जी, इस स्टॉल के बारे में आप जानते हैं? आए होंगे कभी? Yes, sir. हाँ हाँ, था तो यहाँ पर एक स्टॉल। अच्छा, हाँ मैंने भी एक दिन जूस पिया था यहाँ से, लेकिन हुआ क्या? अरे भाई साहब, क्या बताऊँ क्या नहीं हुआ है? ये जो स्टॉल है ना, ये जिस कंपनी के, उसके मालिक के साथ मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा है। लेकिन मैं तब भी कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं बोला। ये उसके साथ घूमती थी, उसके साथ गुलछर्रे उड़ाती थी, लेकिन तब भी मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे इसकी इज्जत की परवाह है। मुझे अपने परिवार को वापस लाना है, लेकिन इसने ना मेरे परिवार की सोची, ना मेरे प्यार की सोची, और उस गैर आदमी के साथ। कैसी औरत है बताओ, ऐसे ही काम करती है? ऐसी औरत। अरे आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? ऐसी लड़कियां सोसाइटी में अपनी फैमिली का नाम खराब करती हैं। हाँ हाँ, ऐसी औरतें ही समाज में गंदगी फैलाती है। भगाओ उसे यहाँ से। मारो 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 साले। अरे अरे क्या कर रही हैं आप? रुक जाइए, ये मेरी। बंद कीजिए तमाशा। Stop it! नव्या की कोई गलती नहीं है। तू कौन होता है पीछे बोलने वाला है? तेरी तो क्यों चल रही है? और भी कौन होते नहीं? पता क्या लगती है वो मेरी? क्या? वो मेरी होने वाली बीवी है। How dare you? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बोलने की? क्या गलत क्या कहा मैंने? हाँ, तुमने मुझे इसीलिए रिजेक्ट किया था ना, क्योंकि तुम मुकुंद जी और भरत को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तो वो प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व कर दी। वो लोग हमारे साथ रहेंगे। दिल भी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। नव्या, नव्या चलिए। नव्या, यही तो चाहती थी ना तुम? क्या गलत क्या किया मैंने? किस बात की सजा दे रही हो तुम मुझे? ए लड़के,
जब वो तेरे नहीं बोल रही है, मतलब तेरे से बात नहीं करना चाहती, तो तू क्यों बीच में पड़ रहा है, है? और सुन, ये हमारा परिवार है तो हमारी प्रॉब्लम्स हम निपटेंगे, तो तू बीच में ना आए तो तेरे अच्छा होगा, समझा? चल निकल, ऐसे निकल, तेरे से बात नहीं कर रहा मैं।